आपने भी दिया था किसी को बहुत बड़ी कर्ज की राशि। उस वक्त आप अमीर थे, वो गरीब था, उसको जरूरत थी, आपने मदद कर दी। उसके बाद दिन आपके ऐसे बदले जब आपने अपने ही पैसे मांगे तो सामने वाला पेट दिखा दिया, मुकर गया, नहीं दिया आपकी राशि। आज वही अमीर है और आप गरीब हो गए। यदि कोई आपका भी कर्जा लेकर भागा है, आपके भी पैसे कर्ज में उधार लेकर भाग गया है, इसकी वजह से आपकी आर्थिक अवस्था बिगड़ गई है। दूसरी बात, यदि किसी की बात में आकर आपने कहीं ऐसी किसी चिटफंड कंपनी में बहुत सारा इन्वेस्ट कर दिया, आपको लगा कि यहाँ से बहुत ज्यादा फायदा, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत लोगों ने मुझको मैसेज किया है कि हमने किसी की बात में मानकर, किसी रिश्तेदार की बात मानकर हमने यहाँ इन्वेस्ट किया और वो कंपनी भाग गई, डूब गई, गायब हो गई, फोन बंद हो गया, वो सब बंद हो गया, तो मैं क्या करूँ। आज एक ऐसा प्रयोग आपको बताने जा रही हूँ कि आपके पैसे को जहाँ कहीं भी किसी ने भी रोक कर रखा हो, रोक कर कौन रखा है, जिसने आपका कर्ज लिया, जिसने आपके पैसे कर्ज में लिया हो, वो रोक कर रखता है आपके पैसे। समय आने पर, जरूरत आने पर आपको लौटा नहीं रहा, लेकिन पैसे वो आपके हैं। दूसरी बात, किसी की बात मानकर आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया पैसे, वो सारे पैसे इन्वेस्ट करके वो रोक दिया, उसके बाद वो कंपनी भाग गई, तो आपके पैसे तो उनके पास है, भाग गई चाहे कहीं भी गई, आपके भाग्य का पैसा, आपकी मेहनत का पैसा उसके पास है, उसने रोक कर रखा है। तीसरी बात, आपने एक बहुत सबकी बात मानकर बहुत बड़ी दुकान खोली और किसी ने कुछ ऐसा किया कराया, टोना टोटका कर दिया कि पूरी की पूरी दुकान ही बैठ गई, पूरी दुकान चौपट हो गई, 10 लाख की पूंजी आपने लगाई थी, सारे पैसे बर्बाद हो गए, माल बर्बाद हो गया, फर्नीचर खराब हो गए, बेच बेच कर आपको 2 लाख रुपए निकले, 8 लाख रुपए पानी में चले गए। तो ये सब जो पैसे का क्षय है ना, ये एक साथ क्षय होना, धीरे धीरे कहीं नुकसान नहीं हुआ। तीसरी बात, आपको इतना जोश हुआ कि मैं स्टॉक मार्केट में हीरो बनकर आऊंगा, बिल्कुल 1 लाख लेके जाऊंगा, 1 करोड़ कमा कर आऊंगा, ऐसा ख्वाब किसी ने दिखाया और आप उसकी बात मानकर चले गए। स्टॉक मार्केट में 1 लाख भी जीरो हो गया और साथ में दोस्तों से आपने 2-4 लाख लेकर भी डुबा दिया, तो कर्ज तो पहले नहीं था, अब कर्ज भी हो गया और सारे पैसे भी डूब गए, यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट आपने जीरो कर दिया। तो जब ऐसी ऐसी समस्याओं का वज्र गिर रहा है आप पर, इसके वजह से आप गरीब हो गए, कंगाल हो गए, बदहाल हो गए, इसकी वजह से आपकी अवस्था दिन प्रतिदिन बस बिगड़ती चली जा रही है, तब आज का प्रयोग आपके लिए। यदि आपके पैसे किसी ने उधार लिए और उधार के पैसे वो नहीं लौटा रहा है, यदि आपके पैसे अनचाहे जगह पर डूबते जा रहे हैं और इसकी वजह से आप दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं, तब आज का प्रयोग आपके लिए। जिसने उधार लेकर गए हैं आपके पैसे, हाथ जोड़कर लौटाएगा, जहां भी डूब गई हो पैसे वहां से रिकवर हो जाएंगे, मत पूछिए पैसे कहां कहां से आएंगे, बन जाएंगे आप करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें, यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त, रोड क्रॉस करते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त, जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो, हर काम बनते चले जाएंगे, सौभाग्यशाली हो जाओगे। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, भाग्य बदल जाएगा। ऐसे ऐसे प्रयोग बताती हूँ मैं आपको, वो भी निःशुल्क। मेरे सारे वीडियो मेरे भाई बहन के लिए मुफ्त है, कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ, किसी पर भी पैसे भेजने की जरूरत नहीं है और किसी को भी दान दक्षिणा भी नहीं देना है, मुझे भी नहीं और किसी को भी नहीं। उपाय के नाम पर न जाने कितने एस्ट्रोलॉजर बड़े बड़े नंबर उपाय बताने से पहले 2-3-4 नंबर आते हैं, जल्दी पहले पैसे भेजो, मत देना अभी। दान दक्षिणा करने का मन है तो अभी नहीं, लखपति करोड़पति बन जाओ तब, मेरे बताए 2-3 काम कर लेना, आपके पैसे मुझ तक पहुंचेंगे सीधे। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता सक्षम ना हो, भोजन आदि की व्यवस्था अपनी तरफ से कर देना। कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में स्कूल नहीं जा पा रहा हो, उसकी फीस भर देना, जितने सको, 1 महीने की तो सकोगे, जरूर भरना सोचना, दीदी ने दिया है, दीदी ने कहा है भरने को। और तीसरा, किसी भी मंदिर को जर्जर अवस्था में देखो,
गेट पुराने हो गए हो, रंग नहीं है, सीढ़ियां टूट गई हैं, झंडे खराब हो गए हो, माता के कपड़े खराब हो गए हो, दिया जलाने का घी नहीं है, या कोई ऐसी मंदिर जहां रंग पेंट नहीं हो, उखड़ गए हो, ब्लैक पड़ रहे हो, जरूर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना, खड़े होकर काम करवाना। किसी को पैसे देकर नहीं आना, कुछ पुण्य नहीं मिलने वाला, तुम्हारे पैसे वो लेगा और अपना घर जाकर पेंट करवा लेगा। और तुम सोचोगे कोई बात नहीं, मैं तो मंदिर के नाम पे दिया हूँ, चलो पेंट करवाने दो, मुझे तो पुण्य हो गया। नहीं मिलने वाला पुण्य, उन बातों पर मत आना कि आंख बंद करके पैसे दे दो आपको दान का पुण्य मिल जाएगा। ना, आपने दान दिया ही नहीं तो पुण्य कैसा, खड़े होकर काम करवाना। बच्चों का एडमिशन होता है, उस दिन छुट्टी लेते हो ना, सारा दिन स्कूल में भागते हो ना, उसी तरह एक दिन पिता समझकर मंदिर में खड़े होकर काम करवाना, प्रॉस्पेरिटी आने लगेगी। वहां से ऐसी पॉजिटिविटी आएगी लाइफ में, आपको कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं, वैसे करोड़पति बन जाओगे। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, केवल एक रुपए का सिक्का का खर्च है, केवल एक रुपए का सिक्का आपका भाग्य बदल देगा। केवल एक रुपए के सिक्के का आज एक दुर्लभ प्रयोग बताने जा रही हूँ, जिससे किस्मत चमक जाएगी आपकी। ध्यान से सुनो, कंडीशन मैंने क्या कहा, जब आपके पैसे कहीं कहीं जाकर अटक जाए, स्टक हो जाए, कोई आपके पैसे रोक कर रख ले रहा है, किसी ऐसे बैंक में आपने पैसे जमा कर दिए, प्राइवेट बैंक था, भाग गया, दिवालिया हो गया, सारे पैसे अटक गए, माने आपके पैसे को किसी ने कैप्चर किया, कोई आता है आपसे 5 लाख रुपए उधार लेता है, मैं 6 लाख दे दूंगा, आपने लालच में दे दिए, सारे पैसे लेकर भाग गए। किसी चिटफंड कंपनी में आपने 5-10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, वो लेकर रख लिया। यानी आपके पैसे को जब कोई समेट कर रखता है तब ये प्रयोग करना। एक रुपए का एक सिक्का शनिवार की रात्रि को अपने तकिए के नीचे रखना और सो जाना। जब सो उस तकिए पर, तो उस सारे पैसे को मैनिफेस्ट करना, उस सारे पैसे को खूब डीप से याद करना कि तुमको मैंने कितनी मेहनत से कमाए थे, 20-20 हजार करके 2 लाख जोड़े थे तुमने, 2 मिनट में मैंने ये 2 लाख वहां लगा दिए। ऐसे पूरे पैसे को याद करना और सुबह जब आंख लग जाए सो जाना। सुबह जैसे ही उठो, प्रथम सारे काम छोड़कर इस एक रुपये को लेकर जाना और किसी भी शमशान घाट में फेंक कर आ जाना। अंदर नहीं जाना शमशान घाट के, कोई नहीं, दीवार होती है ना ऊंची, दीवार के बाहर से, गेट के बाहर से अंदर फेंक देना। और प्रत्येक शनिवार को करना शुरू करना। 18th century में ना US में एक ऐसा नियम था ना, पेड़ में अपने सिक्के गाड़ दो तभी आपकी इच्छा मैनिफेस्ट होगी। तो लोग जाते थे वहां और जो भी पेड़ में सिक्के गाड़ के आता था उसकी इच्छा मैनिफेस्ट हो जाती थी। वहीं से फिर सिक्के का ये टेक्निक स्टार्ट हुआ। लेकिन आज जो मैं प्रयोग बताने जा रही हूँ, आपको एक रुपए का सिक्का रात्रि में तकिए के नीचे रख कर आना है और सुबह में शमशान घाट में फेंक कर आना। और इस बारे में किसी को कोई चर्चा नहीं करनी, इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं बताना, मैंने क्या किया, ये उपाय क्यों किया, आपको चर्चा नहीं करनी। देखो क्या होता है, जहां जहां पैसे रोक रखे ना किसी ने आपको, वो मजबूर हो जाएगा, उसको स्वप्न आने लगेंगे कि इसको जाकर पैसे दो वरना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ऐसी ऐसी बातें उसके दिमाग में आएगी ना कि वो किसी आपके पैसे जरूर लौटा देगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।